हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज की कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, हमने ये मेन कपड़ा लिया है, साड़ी के ब्लाउज का पीस है और जो लाइनिंग ली है 80 सेंटीमीटर की है। इसी लाइनिंग में हम पूरे ब्लाउज की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको एक अलग तरीके का कटोरी ब्लाउज कटिंग बताएँगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड देखिए, हमने लाइनिंग को डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है, एक सीधी लाइन मार करके सीधा कर लेंगे और सबसे पहले बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, ब्लाउज की जो लेंथ है हमारी 13 इंच है, 1 इंच प्लस करके हमने 14 इंच ले लेना है और इस ब्लाउज का जो गला है 10 इंच डीप रहेगा, 1/2 इंच प्लस करके हमने मार्जिन लिया है और आर्म होल 10 इंच गले के डीप के अकॉर्डिंग 5.5 इंच लिया है। और ये देखिए, इस तरह से हमने सारी लाइनों को मार्क कर लेना है, देख सकते हैं आप। अब देखिए हमें क्या करना है, हम शोल्डर यहाँ पे लेंगे 1.25 इंच, 10 इंच गले के अकॉर्डिंग और 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने 1.25 इंच शोल्डर लिया है और 1.5 इंच इस तरह से नाप के लाइन को सीधा कर लेना है। आर्म होल हमने देखिए यहाँ पे 5.5 इंच लिया है फ्रेंड, और आर्म होल की लाइन को हाफ करके 1/2 इंच बाहर की साइड करके एक मार्क लगाएंगे और इस तरीके से एक लाइन मार्क करेंगे आर्म होल की। तो यहाँ पर हम बैक का आर्म होल शेप देंगे, ये डीप नेक गले के अकॉर्डिंग ही हम करते हैं फ्रेंड्स, बाकी और गले में नहीं करना है। तो यहाँ पे चेस्ट 36 है, उसका चौथाई हमने 9 इंच लिया है और 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरीके से हमने आर्म होल का शेप दे दिया है। अब हम कमर पे आते हैं, तो कमर हमारी यहाँ पे फ्रेंड्स 30 इंच है, उसका चौथाई हमने 7.5 इंच लिया है, 1 इंच टक्स का और 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरह से कटिंग और फिटिंग की लाइन को हमने मार्क कर लेना है। अभी देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना, वो भी गले की साइड इस तरीके से। ऐसा करने से हमारा शोल्डर जो है गले से उतरेगा नहीं, परफेक्ट फिटिंग आती है फ्रेंड। गले की चौड़ाई अब हम देखिए यहाँ पे 2.25 इंच लेंगे, लंबाई हमने 10 इंच ली है, नीचे की साइड हमने 3 इंच की ब्रॉडनेस रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और फिर हमने बॉक्स बना के इस तरह से राउंड शेप देना है। अब यहाँ पर देखिए, कमर को हाफ करके टक्स की मार्किंग करेंगे, 1/2 इंच की टक्स लगाएंगे और फिर यहाँ पर हमने इस तरीके से 1/2 इंच ऊपर की साइड मार्क लगा के इस तरह से इसमें मिला देना है। ये 2 से 3 काम अगर आप डीप नेक में करोगे फ्रेंड्स, तो आपका डीप नेक का जो गला है परफेक्ट बैठेगा और जो है शोल्डर नीचे नहीं उतरेगा और आर्म होल के पास आपके सेल नहीं आएगा, क्योंकि डीप गला जो होता है थोड़ा फैलता है। इसके लिए हम ये 3 काम करते हैं जिससे कि हमारा परफेक्ट ब्लाउज बनता है। अब हम यहाँ पे मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे, पर अभी जो हमने ये शोल्डर डाउन और 1/2 इंच ऊपर का मार्क लगाया है इसे नहीं कट करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसी बैक पार्ट को रख के हमें अपना फ्रंट पार्ट मार्क करना है, इसीलिए अभी हमने इसको नहीं कट किया है। जब हम बैक फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेंगे तब हम इसको कट कर देंगे। तैयार पर कट लगा लेंगे, गले के पास कट लगा लेना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमने लाइनिंग का ओपन साइड अपनी ओर कर लिया है इस तरीके से, और 3 इंच नाप करके हमने एक लाइन सीधी मार्क कर लेनी है ये 3। और अब बैक पार्ट को लेना है और इसी 3 इंच की लाइन पे रख के एज टीज बैक पार्ट को उतारना है फ्रेंड। और देखिए यहाँ पे हम स्लीव की कटिंग करेंगे और इस साइड जो कपड़ा बच रहा है वहाँ पे बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो हमारा जो लाइनिंग का कपड़ा है एकदम परफेक्ट है, इसमें हमारा सारा पार्ट आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ देख लेना है, इसके बाद ही कटिंग करनी है, नहीं तो आप पेपर पर कट कर सकते हैं। इसमें हम स्लीव की कटिंग करेंगे। अब बाकी जैसा हमने बैक पार्ट कट किया है उसी तरह से इसे हम कट करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए, देख सकते हैं फ्रेंड इस तरीके से। अभी यहीं पे शोल्डर डाउन को भी कट कर लेते हैं और इधर के साइड जो हमारा कपड़ा बच रहा है ये वाला, इसमें हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो सारा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे हमने कट लगा लेना है, क्योंकि हमारा फ्रंट और बैक का कट एकदम बराबर से आता है इस ब्लाउज में, इसमें फिटिंग नापने की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और यहाँ पे देखिए हमने जो नीचे की साइड उठाया था उसे भी कट कर दिया। अब देखिए फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे फ्रेंड। सबसे पहले हमने शोल्डर और आर्म होल को नाप करके जितना हमने बैक में लिया था लाइन को सीधा मार्क करना है और फिर हम यहाँ पे आर्म होल की गहराई देंगे, 1/4 इंच की गहराई देंगे, 0.75 इंच, 1 इंच में 1/2 इंच कम, इस तरीके से देखिए हमने आर्म होल की गहराई दे दी है। और अब देखिए फ्रेंड, जो हमने 3 इंच का ही मार्क लगाया है उसके अंदर सारी मार्किंग करेंगे। तो 1.25 इंच हमने गले की चौड़ाई लेनी है, 6.5 इंच गले की लंबाई हमने ली है, 10 इंच पे हमने टक्स की लंबाई ली है और 12 इंच पे बेल्ट की, 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग हम 10 इंच पे टक्स और 12 इंच पे बेल्ट लगाते हैं। गले की लंबाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस तरीके से हमने तीनों लाइन को मार्क कर लेना है।
अब देखिए नीचे ऊपर की साइड हमने 2.25 इंच गले की चौड़ाई ली है, नीचे की साइड हम 3.5 इंच लेंगे। आप गले को जितना ब्रॉड बनाएंगे उतना ही अच्छा गला बनता है फ्रेंड। गले की ब्रॉडनेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, हमने 3.5 इंच नीचे की साइड लिया है। तो यहाँ पे हम बेल्ट की कटिंग नहीं करेंगे फ्रेंड, सिर्फ बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए 1.25 इंच हमने ऊपर की साइड लेना है और 3.6 इंच हमने टक्स की चौड़ाई लेनी है, जितना चेस्ट होता है उसका 10वां। और इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देना है, पर बेल्ट का शेप ही देंगे, कटिंग नहीं करेंगे फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए 1/2 इंच ऊपर की साइड उठा करके हमने इस तरीके का मार्क लगाना है, इससे शेप बहुत ही परफेक्ट आता है। तो ये सारे काम आपको ज़रूर से ज़रूर करने कटोरी ब्लाउज में। अभी देखिए हमने क्या करना है, जितना हमारा पूरा पार्ट है फ्रेंड्स, ये देखिए 11 इंच पे आ रहा है, इसको हम इस तरह से हाफ कर लेंगे। ये देखिए इसके बाद हमने 1 इंच और लेना है इस तरीके से, और इस पे हम एक खड़ी लाइन मार्क करेंगे। कटोरी का शेप दे रहे हैं हम यहाँ पे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। और अभी देखिए आरमोल के पास हमने 2.5 इंच लेना है, ये 2.5 इंच हम हर साइज में लेते हैं, चाहे ब्लाउज का जो भी साइज है आपको 2.5 इंच लेना है। गले के पास हम 1 इंच लेंगे, ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस तरीके से कटोरी का शेप देना है, तो आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट हमारा शेप आ चुका है कटोरी का। और अभी देखिए हमने क्या करना है, जितना हमारी टक्स की चौड़ाई यानी 3.6 इंच इस तरह से यहाँ से लगाना है, फिर 3.6 इंच लगाएंगे तो यहाँ पर आ रहा है। फिर इसके बाद देखिए हमने 3.6 यहाँ पर आया, उसके बाद भी हमने 1 इंच और लेना है और इसे हम इस तरह से मिलाएंगे, ये देखिए। और इसके बाद अभी हमने इसमें 1/2 इंच उकाई का भी लेना है फ्रेंड, क्योंकि ये फ्रंट का पार्ट है, फ्रंट ओपन, तो 1/2 इंच उकाई का लेना ही पड़ेगा, तो आपको 1/2 इंच उकाई का ले लेना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड कितना परफेक्ट कटोरी का शेप आ गया। एक बार हम आपको फिर से बताते हैं, देखिए जितना हमारा पार्ट था उसका पहले हमने 1/2 किया, इसके बाद फिर से हमने 1 इंच और लिया है। और आर्मोल के पास देखिए यहाँ पे 2.5 इंच लिया है, गले के पास 1 इंच लेके कटोरी का हमने शेप दिया है। अब जहाँ से हमने कटोरी की मार्किंग शुरू की वहाँ से चेस्ट का 10वां लेंगे यानी 3.6 इंच, फिर वहीं से एक बार फिर से लेंगे 3.6 इंच इस तरीके से। इसके बाद हमने 1 इंच और लेना है और 1/2 इंच हुकाई का। इस तरीके से हमारी कटोरी का साइज पूरा कम्प्लीट हो चुका है। कटोरी का जो साइज होता है फ्रेंड, चेस्ट का 1/4 ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब हमने इस कटोरी का जो साइज आया उसका 1/2 करना है, और फिर जहाँ पे हमने 1/2 का मार्क लगाया वहाँ से नीचे 1.5 इंच लेना होता है इस तरीके से। तो ये 1.5 इंच का मार्क लगाने से पहले हमें अपने बेल्ट का साइज़ नाप लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारा बेल्ट का जो साइज़ है 3 इंच आ रहा है, यहाँ पे 1/2 इंच यानी कि 2 इंच में 2 लाइन कम। इसे आपको कहीं पर नोट कर लेना ताकि आपको याद रहे जब आप बेल्ट कटिंग करेंगे तो इस नाप की ज़रूरत पड़ेगी 3 और 1/2 इंच की। अब हम क्या करेंगे, जो हमने 1.5 इंच का मार्क लगाया था इस पर इस तरह से शेप को मिलाना है। ये देखिए इस साइड जो है आपका 4 इंच तो ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए, तो हमारा यहाँ पे 4 इंच है, तो हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्क लगा देंगे, इस तरीके से शेप दे देंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमें इस साइड इस वाली कटोरी में 1/2 इंच मार्जिन का लेना होता है, तो इस वाली कटोरी में आपको इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको 1/2 इंच लेना होगा, नहीं तो आपकी कटोरी ज्वाइंट करते समय छोटी पड़ सकती है। और अभी देखिए यहाँ पर हम मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमने मार्किंग करी उस तरह से कटिंग करना है। कटिंग करते समय आपको ध्यान देना है फ्रेंड मार्किंग पर। और इसे देखिए हमने कटोरी को सेंटर से फोल्ड किया है, जो ऊपर नीचे कपड़ा दिख रहा है उसे हम कट कर देंगे, सेंटर पे कट लगा लेंगे। और इस कटोरी में जो हमारा टक्स आता है फ्रेंड 1.5 इंच का आता है, तो देखिए जो हमने सेंटर पर मार्क लगाया है वहाँ से दोनों साइड 1.5 इंच की चौड़ाई लेंगे टक्स के लिए, और ये जो टक्स की लाइन हमने मार्क करी है वहाँ तक हम टक्स को लगाएंगे। तो इस तरह से हमने फोल्ड करके थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो निशान पड़ जाता है, तो बहुत ही परफेक्ट मार्क आता है। तो अभी हमारी कटोरी की कटिंग कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, हमने बेल्ट को कट करना है, तो जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ था बेल्ट के लिए हम उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखिए क्या करना है, 1 इंच मार्जिन का ले लेना है, 1 इंच पहले हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 1/2 इंच ऊपर की सिलाई के लिए और 1/2 इंच नीचे की सिलाई के लिए। तो ये जो मार्जिन है फ्रेंड्स, इसे आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है, जितना आपको लेना है उतना सिलाई में दबाना है। और फिर देखिए 1/2 इंच छुकाई का लेंगे इस तरीके से, कमर का 1/4 लेंगे 7.5 इंच और 2 इंच मार्जिन का। हमने इतना कपड़ा ले लेना है। अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। इसके लिए देखिए फ्रेंड हमें क्या करना है, जो हमने नोट किया हुआ था बेल्ट को, ये देखिए 3 इंच एक साइड और 1/2 इंच एक साइड, तो जहाँ पर हमने हुकाई का लिया है उस साइड हमने 3 इंच लेना है और इस साइड हमने 1/2 इंच लेना है, 1 इंच में 1/2 इंच कम यानी 2 लाइन कम।
और इस तरीके से हमने यहाँ पे भी ले लेना है और सीधी लाइन मार्क कर लेना है। इससे क्या होगा, बेल्ट का शेप परफेक्ट आएगा। और इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देना है। तो हमारे यहाँ पे बेल्ट भी कंप्लीट हो गई। अब स्कीम कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है और हम देखिए अब करेंगे स्लीव की कटिंग। तो जो हमारे पास कपड़ा लाइनिंग का बचा था उसी को ले लेना है। जब हम इसे इस तरह से फोर फोल्ड में करेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें जॉइंट आएगा। देखिए 8 इंची कपड़ा फोर फोल्ड करने पे आ रहा है। तो अगर आप एक एक स्लीव कट करेंगे तो एकदम परफेक्ट भी आएगा और आपको जॉइंट लगाने की भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने देखिए कपड़े को इस तरह से चेस्ट का चौथाई डबल फोल्ड में लिया है, एक स्लीव कट कर रहे हैं। और पहले 1 इंच का मार्जिन लेके एक लाइन मार्क कर लेना है। स्लीव की लेंथ हमारी 3.5 इंच है, स्लीव की लंबाई। तो 3.5 इंच लेंगे और 1 इंच हमारा मार्जिन का प्लस है, यानी 4.5 इंच इस तरह से ले करके ये देखिए एक बॉक्स बनाना है। 3.5 और 9 इंच का हमने इस तरह से बॉक्स बना लेना है। तो ये छोटी स्लीव है फ्रेंड्स, इसमें हम 2.5 इंच डाउन का मार्क लगाएंगे। अगर इससे भी छोटी आपको स्लीव बनानी है तो आप वहाँ पर 2 इंच का डाउन लगा सकते हैं, पर हम यहाँ पर 2.5 इंच का डाउन का मार्क लगाएंगे। तो ये डाउन का मार्क हम लेंथ के ऊपर लगाते हैं और इस तरह से लाइन को हम सीधा मार्क करेंगे। और अभी देखिए हम यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। मार्जिन जितना आपने अपने पार्ट में रखा उतना यहाँ पे भी रखना है और ऊपर की साइड हमने 1.5 इंच सीधा रखना है। इस तरीके से स्लीव का शेप दे देना है। बहुत ही परफेक्ट तरीका है फ्रेंड्स। स्लीव राउंड देखिए यहाँ पे 12 इंच है, उसका हाफ लेंगे 6 इंच और 2 इंच का मार्जिन लेके इस तरह से हमने कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। तो ये इस तरीके से अगर आपका शेप आ रहा है फ्रंट स्लीव का तो एकदम परफेक्ट है। अगर इस तरीके से आ रहा है तो आपके आर्म होल का शेप बिगड़ जाएगा और सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा आपकी ब्लाउज की फिटिंग पे। तब जब भी आप कटिंग करें तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपका जो मार्क आया है पहले वाला उसी टाइप में अगर शेप आ रहा है तो आपका शेप परफेक्ट है। और अभी देखिए फ्रेंड, तैयार पे कट लगा लेंगे और सेंटर पे कट लगा लेंगे। अब हमारे पास जो लाइनिंग है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसी पे अपनी स्लीव को रख के दूसरी स्लीव कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बड़े आराम से हमारी दोनों स्लीव कट हो गई है, कोई ज्वाइंट नहीं आया है। अब इसे हम इस तरह से खोलेंगे और एक साइड फ्रेंड्स गहराई देंगे। जो गहराई है ये फ्रंट के साइड आती है। जब हम ब्लाउज की सिलाई करते हैं तो इसे फ्रंट के साइड रखते हैं। तो इस तरीके से हमने स्लीव की कटिंग भी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, बैक पार्ट लेना है और ये देखिए जो हमारे बैक के साइड का आर्म होल स्लीव का उसे इस तरह से नापना है। तो देख सकते हैं कट से कट को मिलाते हुए इस तरह से हम इस पर ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करते समय फ्रेंड्स अगर हमारी स्लीव परफेक्ट आ गई तो यहाँ पर हमारा आर्म होल परफेक्ट है। और ये अगर फ्रेंड्स हमारी स्लीव जो है छोटी पड़ रही है तो इसका मतलब आपने आर्म होल ज़्यादा कट कर लिया है। पर यहाँ पे देखिए वाला परफेक्ट है। स्लीव जो है बड़ी हो जाए चलेगा, पर स्लीव का आर्म होल बैक के आर्म होल से छोटा नहीं होना चाहिए फ्रेंड, नहीं तो फिटिंग में दिक्कत आ सकती है। तो आपको पहले आर्म होल को कम काटना होता है, फिर इसके बाद आप स्लीव का आर्म होल और गले बैक का आर्म होल अगर नाप लें, अगर छोटा बड़ा हो रहा है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आपने पहले ही बड़ा कर दिया फ्रेंड तो दिक्कत हो सकती है। तो देखिए आप यहाँ पे हमने अपना कपड़ा लेना है, कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके रख लेना है और सारे पार्ट को देखिए इस तरीके से रख के हम कपड़े पे इसकी कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग हमने परफेक्ट काटी होती है, बस कपड़े को थोड़ा एक्स्ट्रा कट करते हैं फ्रेंड। और देखिए जहाँ भी आप कटोरी को रखें हमेशा जहाँ पर कपड़ा स्ट्रेचेबल हो यानी क्रॉस में हो आपको कटोरी वहीं पर रखनी है, फिर स्टिच कटिंग कर लेनी है थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए। तो इस तरह से हमने अपनी कटिंग भी कम्प्लीट कर ली है फ्रेंड्स। तो इस ब्लाउज की हम सिलाई नहीं दिखा पाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये ब्लाउज हमें जल्दी में देना है। तो अगर आपको इसकी सिलाई देखनी है, चैनल पे बहुत सारी वीडियो है कटोरी ब्लाउज की सिलाई की, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट हो इस ब्लाउज में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।